महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा, गांधी का विचार था कि गांव का विकास हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका हनन किया जा रहा है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि आज समाज को गांधी जी के विचारों की आवश्यकता है। गांधी जी ने ही देश और दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। महात्मा गांधी का विचार है कि गांव का विकास हो, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका हनन हो रहा है। पंच सरपंच की आवाज को दबाया जा रहा है। देश और दुनिया ने जिस शक्ति को, अहिंसा की ताकत को पहचाना, उसके जो प्रेरणा थे, जिसके महानायक थे आदरणीय महात्मा गांधी जी के, आज इस पावन शुभ दिन के अवसर पर आज आवश्यकता है समाज को उनके विचारों की, सत्य की, अहिंसा की, क्षमा की। जो उन्होंने देश और दुनिया को रास्ता दिखाया स्वराज का, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आज पूरे सरपंच एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं मानता हूं अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, ये एहसास जनप्रतिनिधियों को, पद पे बैठे हुए व्यक्तियों को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, विधायक को, राजनीतिक दल के सारे हम लोग जो पदाधिकारी, उनको कि महात्मा गांधी का मूल विचार जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर गांव में ही गांव की सरकार बने और विकास हो, वहां की संरचना बने, मध्य प्रदेश में उसका हनन हो रहा, तो ये सबक लेना चाहिए आज के दिन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।